खबर बड़वानी से। 6 साल पहले आई ब्लड सेपरेशन मशीन नहीं आ रही किसी काम। विशेषज्ञ स्टाफ और लाइसेंस के इंतजार में कई वर्ष से ताले में बंद है जीवन रक्षक मशीन। कोरोना काल के बाद से जिला अस्पताल में कई नीति नई अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हुई है, लेकिन ब्लड बैंक के हाल नहीं बदल रहे। मेजर कैटेगरी के ब्लड बैंक में अब भी कई कमियां हैं, बावजूद स्टाफ मानवीयता का ध्यान रखते हुए लोगों को ब्लड उपलब्ध करवा रहा है। बड़वानी विधायक राजन मंडलोई ने मीडिया को बताया कि ब्लड बैंक के लिए ब्लड कंपोनेंट्स सेपरेशन मशीन 2017 से आ चुकी है, लेकिन वो ताले से बाहर नहीं निकल पा रही। इसका कारण इसके संचालन के लिए विशेषज्ञ स्टाफ लाइसेंस रिन्यू नहीं होना है। साथ ही इस यूनिट के संचालन के लिए भवन की जरूरत थी, जो 23 में ही बनकर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब विशेषज्ञ स्टाफ लाइसेंस रिन्यू नहीं होने के कारण मशीन अभी तक चालू नहीं हो पाई है। विधायक ने बताया कि जिला अस्पताल में बड़वानी सहित धार, अलीराजपुर, खरगोन आदि स्थानों के मरीज पहुंचते हैं। मुख्य रूप से ब्लड बैंक में सिकल सेल थैलेसीमिया के मरीजों को ब्लड उपलब्ध करवाना चुनौती साबित होता है, फिर भी दान दाताओं और शिविरों के माध्यम से मिलने वाले ब्लड से मरीजों को समय पर पूर्ति की जा रही है। वहीं इस दौरान मुख्य रूप से थैलेसीमिया के मरीजों को खांसी में दिक्कतें आ रही हैं, जिससे कई मरीज सीधे मौत के मुंह में समा रहे हैं। शासन प्रशासन से जिला अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट शुरू करने की मांग कई बार की जा चुकी है। बता दें कि बड़वानी जिला अस्पताल का ब्लड बैंक रक्त यूनिट लेन देन के मामले में प्रदेश के जिला अस्पतालों में अग्रणी है। यहाँ प्रतिवर्ष 10,000 यूनिट से ज्यादा रक्त का लेन देन होता है। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिता सिंगारी ने बताया कि कुछ समय से भवन के अभाव में यूनिट शुरू नहीं हो पाई थी, लेकिन अब भवन बन चुका है और ब्लड सेपरेशन यूनिट के लिए हमने निरीक्षण के लिए पत्र लिखा था। उसके बाद एक्सपर्ट टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने के बाद 7 से 8 बिंदुओं पर एक्सपर्ट टीम ने आपत्ति दर्ज की थी। उन आपत्तियों का निराकरण करने के लिए हमने पुनः पत्र भेजा है। निरीक्षण के लिए दोबारा निरीक्षण टीम आएगी, तो हमें पूरी उम्मीद है लाइसेंस मिलने की। जैसे ही लाइसेंस मिलता है, यूनिट शुरू कर दी जाएगी। काफी दिनों से भवन का इंतजार था, ब्लड सेपरेशन मशीन को लेकर भवन भी बन गया है। अब क्या ब्लड सेपरेशन सेंटर को लेकर के हमने इसके निरीक्षण के लिए लेटर भेजा था, तो एक्सपर्ट टीम के द्वारा निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद में 7-8 बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज की उन्होंने, तो उन आपत्तियों का निराकरण करके हमने पुनः पत्र भेजा है निरीक्षण के लिए। जैसे ही दोबारा निरीक्षण टीम आएगी, तो पूरी उम्मीद है कि हमें ब्लड सेपरेशन यूनिट का लाइसेंस मिल जाएगा। संभवतः कब तक लाइसेंस टीम जब भी आएगी, तो हमारे पास फिर हम तत्काल उसको शुरू करने की स्थिति में रहेंगे। ब्लड सेपरेशन मशीन के शुरू होने से जो दिक्कतें थी, क्या क्या इससे परेशानी? बड़वानी जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है और यहाँ पर अक्सर कई बार मरीज जो हैं वो 3 और 4 ग्राम हीमोग्लोबिन की स्थिति में आते हैं। उन मरीजों को इसके लिए फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि कंपोनेंट सेपरेशन में हम अलग अलग कंपोनेंट को अलग अलग करके उन्हें चढ़ाएंगे, तो एक ही ब्लड से 3 लोगों को इसका फ़ायदा हो सकता है। धार जिले के भी नज़दीकी विकासखंड के मरीज यहाँ पर आते हैं, तो हमारे जिले के साथ साथ धार जिले के मरीजों को भी इसका फायदा मिलेगा। जैसे कि ब्लड सेपरेशन मशीन के बारे में भी पता चला है कि जिला प्रशासन में 2017 से स्वास्थ्य विभाग में, जिला चिकित्सालय में ब्लड सेपरेशन मशीन आ गई है। अब ब्लड सेपरेशन मशीन को किस हाल में चलाना है, उस हाल का अभी तक निर्माण नहीं किया। और 2023 हो गई, 2017 से लेकर 2023 एंड तक 24 लग गया है, 23 तक पूरा मशीन के संबंध में प्रशासन ने कुछ काम किया ही नहीं। अब उसका कक्ष बनाया, लेकिन उसका कक्ष का अभी तक इंस्पेक्शन भी नहीं हुआ। तो एक्सपर्ट टीम से उसका इंस्पेक्शन करवाना चाहिए। इंस्पेक्शन करवा के जो उसकी लाइसेंसिंग प्रक्रिया है उसको पूरा करके एक्सपर्ट टीम से जांच करवा के उसको चालू करना चाहिए। यदि ये चालू होगी तो लोगों को बहुत सारा फायदा मिलेगा, क्योंकि ब्लड सेपरेशन मशीन से 3 प्रकार के कंपोनेंट बनते हैं, जिससे जो अलग अलग लोगों को ब्लड चढ़ेंगे, तो इस क्षेत्र में वैसे भी सिकल सेल और एनीमिक बहुत ज़्यादा समस्या है, तो लोगों को फायदा होगा। हम प्रशासन से भी मांग करेंगे और मीटिंग में उठाएंगे भी कि इसको जल्दी जल्दी चालू करवाया जाए। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।